देख लेंगे वो न्यूज़ क्या है। मामला जो है आपका हाई कोर्ट में जा चुका है, पढ़ लेते हैं पहले क्या सीन है। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा की तिथि बार बार बदलने के मामले में मांगा जवाब। हाई कोर्ट ने स्टाफ नर्स भर्ती मामले में बार बार तिथि बदलने पर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार और टेक्निकल बोर्ड को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। श्रीनगर गढ़वाल निवासी अरुण एच सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि स्टाफ नर्स भर्ती के लिए सबसे पहले 9 जुलाई 2020 को नियमावली परिवर्तित कर लिखित परीक्षा और चयन उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से करने का प्रावधान कर अनुभव के आधार पर वेटेज अंक दिए गए। लेकिन अध्याचन उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भेज दिया गया। बोर्ड ने दिसंबर 2020 को भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की, किंतु शासन ने जनवरी 2021 में पुनः नियमावली संशोधित कर अनुभव व वेटेज को समाप्त कर दिया। उसके बाद 2 फरवरी व 9 फरवरी को तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से विज्ञप्ति निकाली गई। एक विज्ञप्ति 17 अप्रैल 2021 को निकाली गई। तो ये था गाइज जो है इसका जो न्यूज़ था, लेटेस्ट जो न्यूज़ है। और देख लेते हैं एक बार हम स्टाफ नर्स की जो है और UBTR की ऑफिशियल जो वेबसाइट चेक कर लेते हैं, उसमें भी कोई अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है गाइज, अब मामला जो है हाई कोर्ट में जा चुका है, तो चांसेस हैं जल्दी से जल्दी जो है आपका एग्जाम्स कराने की कोशिश करें UBTR। और सरकार भी चाहेगी कि जल्दी से जल्दी ये एग्ज़ाम हो। तो गाइज अभी तो इसमें जो है कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, ये लगता ये तो पुराना ही है गाइज, आपका ये पुराना ही गाइज, अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। बाकी आप चैनल के साथ बने रहिए।